दुबग्गा में मायावती की जनसभा गठबंधन प्रत्याशी सीएल वर्मा और पूनम सिन्हा के समर्थन में हुई। वहीं मोहनलालगंज से गठबंधन प्रत्याशी सीएल वर्मा मंच पर मौजूद रहे, साथ ही लोकसभा प्रत्याशी पूनम सिन्हा भी मंच पर मौजूद रही। वहीं भाजपा सुप्रीमो मायावती पहुंची कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सभा स्थल पहुँचे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विजय मिश्रा की रिपोर्ट, दुबग्गा। जनपद कन्नौज में जहां एक तरफ सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए कड़े फरमान जारी किए गए, वहीं विकासखंड हसीरन के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में अस्थायी गौशालाओं का निर्माण तो कराया गया, लेकिन उनमें आज तक एक भी गाय या अन्य पशु दिखाई नहीं दिया और न ही अस्थायी गौशालाओं में कोई भी चारे पानी की व्यवस्था की गई। हमारा पशु आज तक सड़कों पर और तालाबों में घूमते हुए देखे जा सकते हैं और तेज गर्मी के चलते पानी व भूख से गायों का और अन्य पशुओं की लगातार मौतें होती जा रही है। आखिर सरकार सो रही है और नीचे के अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंगती। आइए हम आपको दिखाते हैं आज इन जानवरों की हकीकत। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत माननीय कलेक्टर साहब विद्यालय के प्राचार्य ने सरस्वती के चित्र पर माला पहनाकर, वहीं बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें होली गीत, बुंदेली नृत्य आदि कार्यक्रम के बाद बच्चों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र बांटे गए। वन इंडिया न्यूज के लिए शाहिन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सीतापुर के बिस्वा में हजरत गुलजार शाह मेला मैदान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीतापुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती कैसर जहां के समर्थन में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार, किसान विरोधी तथा बेरोजगार युवाओं के साथ उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस देश के चौकीदार ने पूरे देश को अंबानी के हाथ बेचने का काम किया है, जिसके चलते देश के उद्योग धंधे चौपट हुए। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम नहीं किया गया, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तथा किसानों को ना तो उनकी फसलों का सही दाम मिला, खादों के दाम बढ़े हैं। किसानों के खातों में 2000 रुपए डालकर देश के चौकीदार ने देश के किसानों को ठगने का काम किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो बेरोजगारों को रोजगार, किसानों के खाते में हर माह 6000 रुपए, सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने वाले बेरोजगार युवकों को निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। साथ ही युवाओं द्वारा किसी भी प्रकार का रोजगार करने पर संबंधित विभाग से कोई भी अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उन्होंने सीतापुर संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय ईमानदार कांग्रेस प्रत्याशी कैसर जहां को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबार रिजवी, रामलाल राही, हरीश वाजपेयी, रामलाल यादव, राम गोपाल मिश्रा, अनिल वर्मा, जैस्मीन अंसारी, कैसर जहां के अतिरिक्त भोलानाथ वाजपेयी, रजनीश मिश्रा, रमेश नरेश चंद्र गौड़ भी मौजूद रहे। चौकीदार डेढ़ घंटा बोले, डेढ़ घंटा टीवी पे देख लो, चौकीदार हाथ में हाथ नहीं मिला पाया, कभी यूं देखे, कभी यूं करे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्रिवेदी की रिपोर्ट, सीतापुर।